शिल्पा शिंदे और गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान जो मतभेद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि पर्सनल चैट्स जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए गए हैं, जिसको लेके प्रीति सिमन पर शिल्पा शिंदे काफी बुरी तरह से भड़की हैं। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। ये बात साफ तौर पर शिल्पा शिंदे ऑलरेडी कह चुकी है कि गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान के अंदर वो सुनील ग्रोवर के साथ में शुरुआती दौर से ही काम नहीं करना चाहती थी और साथ ही एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह उन्हें ट्रीट किया गया। इन सभी बातों के बारे में ऑलरेडी वो बता चुकी हैं और इस रीजन के साथ में उन्होंने इस शो को छोड़ भी दिया है। आपको यहाँ पर बता दूं, इसके बाद में जब थोड़े से मतलब घमासान होने लगा, थोड़ा जो गर्मा गर्मी थी वो बढ़ गई, इस दौरान प्रीति सिमन जो कि इस शो की प्रोड्यूसर है, उन्होंने शिल्पा शिंदे और अपनी कुछ चैट्स को रिवील कर दिया, कुछ ईमेल चैट्स को रिवील कर दिया स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर, जिसके बाद में शिल्पा शिंदे उन पर और ज्यादा भड़क गई क्योंकि उन्हें लगा कि जो भी उन्होंने शेयर किया है वो गलत तरीके से शेयर किया है और साथ ही उनके रिप्लाईज को छुपा कर शेयर किया है। आपको बता दूं, यहाँ पर शिल्पा शिंदे ने वापस से फिर कुछ स्क्रीनशॉट को शेयर किया जिसमें उन्होंने उसके अंदर उन्होंने कैप्शन भी दिया है कि गलत फहमियों को फैलाना बंद कीजिए, मैंने आपको शुरुआती दौर में ही ये बात कह दी थी कि मैं सुनील ग्रोवर के साथ में काम नहीं करना चाहती, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद सुनील ग्रोवर। प्लस उन्होंने कहा कि उनके साथ जो सेट पर बिहेवियर हो रहा था एज जूनियर आर्टिस्ट वो भी उन्हें पसंद नहीं आया था। अरे आपको याद दिला दूं कि मैंने अपनी पास वीडियो में इन सब बातों के बारे में आपको बताया भी था, यहां तक कि मैंने ये भी कहा था आपको कि शिल्पा शिंदे शो का हिस्सा बनने रहना चाहती हैं, लेकिन क्या प्रोड्यूसर्स उनकी शर्त मान के उन्हें रखना चाहेंगे। अब इन सभी बातों को लेकर अभी तक सुनील ग्रोवर का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी गर्मा गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर शिल्पा शिंदे अपनी तरफ से दूध का दूध और पानी का पानी कर चुकी हैं और यहाँ तक कि उन्होंने प्रोड्यूसर प्रीति सिमन को ये भी कह दिया है कि आप कृपया अपनी सड़ी हुई स्क्रिप्ट पर ध्यान दीजिए, ना कि किसी गलत फहमी को फैलाने में। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या लगता है, आप कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर रख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।